भाई कल के दिन मेरा मूड ऑलरेडी इस बात से खराब था कि जबरदस्ती विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन उसके बाद इंडियन टीम ने कहा अभी कहां मूड खराब हुआ है, असली मूड तो हम खराब करेंगे। क्या हारे हैं भाई, क्या हारे हैं। मुझे लग रहा था कि इंडियन टीम का आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा था कि हर अगला मैच पिछले मैच से और बुरे तरीके से हारना है। आदी, आदी, आदी। साला इस पूरे साल में एक ओडीआई सीरीज थी वो भी हार गए। पर देखो भाई, भले इंडिया कल सीरीज हार गई लेकिन मेरे को एक बात की बहुत खुशी थी। खुशी मुझको इस बात की थी कि अच्छा हुआ कि भाई पहला मैच टाई हो गया, अच्छा हुआ कि उस मैच में जो सुपर ओवर होना था आईसीसी के रूल के मुताबिक वो नहीं हुआ, वरना भाई क्या पता 2-0 की जगह 3-0 हो रखा होता। बाल बाल बच गया रे देवा। जब हमने कुछ दिन पहले श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से T20 सीरीज जीती, हमने हर जगह कहा, हर जगह लिखा द गौतम गंभीर एरा स्टार्ट्स, द जीजी एरा स्टार्ट्स। और अब जब हम ओडीआई सीरीज हारे हैं तब भी हम यही कह रहे हैं द जीजी एरा स्टार्ट्स। समझ में नहीं आ रहा है कि जो गौतम गंभीर का एरा शुरू हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ है, क्योंकि एक सीरीज में ऐसा लगा कि वाह भाई क्या शुरुआत हुई है एरा की, लेकिन जब ये सीरीज खत्म हुई तो लग रहा है ये क्या शुरुआत हुई है एरा की। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सिर्फ ये बोला था कि चीन टपाक डम डम। तुम्हें पता है पिछले 27 साल से, जी हाँ पिछले 27 साल से हम श्रीलंका से कोई ओडीआई सीरीज नहीं हारे थे, लेकिन गौती भाई ने कहा जो कोई नहीं कर सकता हम कर सकते हैं। मैं माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। देखो जाहिर सी बात है कि ये जो हम सीरीज हारे हैं इसका पूरा ब्लेम हम गौती भाई को तो नहीं दे सकते ना। अब जब प्लेयर ही ना चले तो आखिर कोच भी क्या ही कर लेगा। लेकिन भाई जब हम कुछ दिन पहले T20 सीरीज जीते थे तो चारों तरफ ढिंडोरा गौती भाई के ही नाम का पिट रहा था, तो भाई जब ढिंडोरा उनके नाम का पिट रहा था तो थोड़ा सा रोना भी उनके नाम पे होगा ना। हम किसी के गुलाम है क्या? हाँ नहीं, गुलाम हमें नहीं देना है। सुनिए सुनिए, अरे भाई आप लोग काहे परेशान कर रहे हैं, जरा परेशान नहीं कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं, परेशान नहीं। सोचने वाली बात यह है कि भाई इस सीरीज में श्रीलंका के जो टॉप 6 बॉलर्स हैं, चाहे वो पथिराना हो गए, हसरंगा हो गए, मधुशंका हो गए, तुषारा हो गए, चमीरा हो गए या फिर फर्नांडो हो गए, कोई भी नहीं खेल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हला है ना हमने, कसम से भाई दूर दूर तक महक फैली होगी। वैसे तो गौती भाई कहते रहते हैं ना कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, लेकिन गौती भाई आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो छक्के मारने वाला अगर इन मैचेस में खेल रहा होता ना तो ये मैचेस हम हारते ही नहीं। दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए दिल तेरा जद टूटूगा ता पता लगूगा। भाई दो पल के लिए कभी कभी बांग्लादेश से सीरीज हार जाते हैं ना तो इस बात को पचा लेते हैं कि चलो यार बांग्लादेश थी थोड़ी बेहतर हो गई है, कभी कभी अच्छा खेल देती है, हरा देती है, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई श्रीलंका के साथ भले ही हमारे कई मैचेस क्लोज जाते हैं लेकिन हर बार एंड में जाके सीरीज तो हम जीतते ही जीतते थे, पर पता नहीं भाई क्या कर दिया इस बार। और भाई इस बात का बुरा सिर्फ हमको या फिर आपको नहीं लगा है, जैसे इंडिया सीरीज हारी तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण की तरफ से रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि भाई इस सीरीज में हम सबको पता है कि किस तरीके से इंडिया के बैटिंग लाइनअप ने स्पिन बॉलर्स के सामने जो हगा है, गजब का हगा है। तो भाई इसी हगास को देख के जैसा मैंने कहा कि सचिन, लक्ष्मण और द्रविड़ की तरफ से रिएक्शन आया, अगर आपने वो रिएक्शन वीडियो नहीं देखी है तो भाई तुमने भी क्या ही देखा। तो वो पूरी वीडियो में देखने को कहां मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पिन करने में, वो वीडियो टॉप पे पिन करके रखी है, एक बार जाके भाई उन तीनों का रिएक्शन देखो, कसम से भाई तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। और जब टेलीग्राम चैनल पे जा ही रहे हो तो लगे हाथ ज्वाइन भी कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए, अगर उनका रिएक्शन पसंद आए तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन करके आना। देखो भाई इस बात में तो कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा ने इस सीरीज में कमाल की बैटिंग करी है, अकेले बैट्समैन थे जो भाई अकेले दम पे इंडिया के बैटिंग लाइनअप का बोझ उठा रहे थे। लेकिन एक सत्य यहां पे ये भी है कि भाई रोहित शर्मा शुरुआत में आके लंबे लंबे शॉट्स मार के, चौके छक्के मार के रन तो बना रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी स्पिन हावी हो रही थी तो रोहित शर्मा भी निकल जा रहे थे। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, रोहित शर्मा का काम है ओपनिंग करना, अब ओपनिंग में जो बॉलर्स आएंगे उन पे ही तो रन बनाएंगे, और रन भी अच्छी स्पीड से बना रहे थे और जितने रन मार के जा रहे थे उसके बाद भाई नीचे के बैट्समैनों को आके भार संभालना चाहिए, कुछ ही रन बच रहे थे वो भी नहीं बना रहे थे। अब जैसे कि कोहली की बात कर लो भाई, देखो भले ही हम कोहली के बहुत ही कट्टर फैन हैं, बहुत ही बड़े फैन हैं, लेकिन कोहली भाई ने निराश करा है। निराश तो ज्यादा इस बात से करा है कि भाई हर मैच में आके टिके हैं, आते ही निकल जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन हर मैच में आ रहे हैं, 15-20-25 रन बना रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं, ऐसा कोहली के साथ कभी होता ही नहीं है भाई। और स्पिन के सामने इतना बुरा हग रहे हैं, ये कोहली है या कोई और है? मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग भाई इस समय कोहली पे ये इल्जाम लगा रहे हैं ना कि कोहली स्पिन खेल ही नहीं पाता है, कोहली स्पिन खेल ही
नहीं पाता है, मैं तुमको बताना चाहूंगा कि भाई ओडीआई में विराट कोहली की साल 2009 में स्पिन के सामने एवरेज 24.75 की थी, 2010 में 70 की थी, 2011 में लगभग 41 की थी, 2012 में 161 की थी, 2013 में 78 की थी, 2014 में 93 की थी, 2015 में 46 की थी, 2016 में 62 की थी, 2017 में 167 की थी, 2018 में 85 की थी, 2019 में 159 की थी, 2020 में 62 की थी, 2021 में 41 की थी, 2022 में 25 की थी, 2023 में 89 की थी, लेकिन 2024 में 13 की हो रखी है। मतलब मेरा बस इतना है कि कोहली भाई स्पिन के सामने स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, कोहली भाई स्ट्रगल कर रहे हैं चाहे स्पिन हो चाहे पेस हो। अब यहाँ पे स्पिनिंग ज्यादा हो रही है, ज्यादातर बॉलर जो हैं वो स्पिन ही करा रहे हैं, तो फेस स्पिन करनी पड़ रही है और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है खेलना, लेकिन कोहली भाई मुश्किल में ही तो चलते हैं। और भाई देखो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि कोहली भाई अगर टिक गए होते, कोहली भाई किसी भी मैच में चल गए होते ना, तो हम ये नहीं कहते हैं जो अक्सर हम रोहित के लिए कहते हैं ना कि रोहित भाई चले अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया लेकिन हम मैच हार गए। तो कोहली के केस में ऐसा बहुत कम कहने को होता है कि कोहली चले, कोहली ने अच्छा खेला लेकिन हम हार गए, क्योंकि कोहली चलते हैं ना तो इंडिया जीतती है भाई। अब वो ठीक है, रोहित की पोजीशन ऐसी है कि वो हर बार अंत तक नहीं खेल सकते, मैं रोहित की कोई गलती नहीं बता रहा हूँ, उनका जो काम है बखूबी करा है उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन करा है, तेज शुरुआत देके जा रहे हैं। लेकिन रोहित भाई को भी यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए थी कल के मैच भी खासकर, कि अगर उनको पता है कि वही अच्छे फॉर्म में है, वो आसानी से खेल रहे हैं, तो जबरदस्ती बहुत तेज खेलने की जरूरत नहीं है, आप टिक के खेलिए, आप मैच को अंत तक लेके जाइए, क्योंकि आप टच में है, आपके लिए शायद आसान हो रहा है खेलना, लेकिन हर बार आप अपना विकेट शुरुआती दो विकेट्स में ही देके आ जा रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं रोहित की यहां पे गलती नहीं निकालना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रोहित को लग रहा था कि वो बेहतर टच में है तो उनको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए थी टिकने की, थोड़ा अंत तक रहने की, क्या पता इसी बहाने उनके साथ में बाकी बैट्समैन रह के थोड़ी बेहतर पारी खेल लेते। लेकिन अब जो हो गया तो हो गया, आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं यहां पे ये भी बता दूं कि विराट कोहली के लिए साल 2024 सबसे खराब ओडीआई का साल रहा है एवरेज के मामले में, क्योंकि भाई इस साल विराट कोहली ने 3 इनिंग खेली हैं जो कि सीरीज में ही खेली और उनकी एवरेज रही 19.3 की। और जैसा कि हमको पता है कि इस साल और कोई भी ओडीआई सीरीज नहीं है, मतलब ओडीआई का सफर विराट कोहली के लिए इस साल के लिए तो खत्म हो चुका है। इससे पहले जो सबसे खराब साल उनका गया था वो साल 2022 में गया था, जहां उन्होंने 11 इनिंग खेली थी और वहां भी उनकी एवरेज 27.5 की थी, लेकिन भाई यहां तो इतना बुरा लगा है कि 20 भी टच नहीं हुई। अब देखो भाई जब हम सीरीज हार चुके हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे, और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सीरीज में अगर हार्दिक पांड्या होते और हार्दिक पांड्या के साथ क्या जडेजा होते तो क्या कुछ बेहतर रिजल्ट आ सकता था, क्योंकि जडेजा ओडीआई में हमेशा से कंट्रीब्यूशन देते आए हैं और समय के साथ उनकी बैटिंग में सुधार देखने को मिला है, वो इतनी आसानी से अपने विकेट्स फेंक के नहीं आते जिस तरीके से अय्यर फेंक के आ जा रहे थे या जिस तरीके से दुबे फेंक के आ जा रहे थे। अब देखो होते तो क्या पता वो भी चले जाते, लेकिन फिलहाल ऐसा मन में आ रहा है कि शायद जडेजा ज्यादा बेहतर काम आ सकते थे। अक्षर पटेल ने बेहतर कंट्रीब्यूशन दिया है दोनों ही डिपार्टमेंट में, इस बात में कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी जडेजा होते तो बैटिंग में जो डाउनफॉल हुआ है शायद वो नहीं होता, क्योंकि कई बार जडेजा ने इस डाउनफॉल से हमें बचा रखा है। बाकी हार्दिक पांड्या की बैटिंग में भी जिस तरीके की मैच्योरिटी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, बंदा ओडीआई क्रिकेट में काम आता, अच्छे कंट्रीब्यूशन देके जाता, इस तरीके की बकचोदी तो नहीं होती जो हमने सीरीज में होते हुए देखी, तो इसीलिए मुझको लगता है कि हार्दिक और जडेजा शायद हमारे अच्छे काम आ सकते थे। इसके अलावा क्या ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं ले जाना इन पे भारी पड़ा, जिस बंदे का फॉर्म बेहतरीन चल रहा था, जो बंदा अच्छी अच्छी पारियां हर जगह खेल रहा था, जहां जा रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट तक हर जगह परफॉर्म करके आ रहा था, क्या उसको इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि भाई गिल की ओपनिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन भाई जैसा मैंने कहा कि अब तो जो हो गया सो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता है, बस यहां पे एनालिसिस किया जा सकता है इस बात का कि आखिर इतना गलत क्या हो गया। एक होता है कि चलो गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ भाई गलत डिसीजंस ले लिए जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां क्या हो गई कि भाई इतना वाहियात रिजल्ट आया, हम भाई कभी भी किसी मैच में स्ट्रॉन्ग दिखे ही नहीं। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है, आपके हिसाब से वो कौन सी 2-3 बड़ी गलतियां रही जिसकी वजह से इंडिया को 27 साल के बाद श्रीलंका से सीरीज गंवानी पड़ी, वो भी 2-0 से। आपका जो भी जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई एक बार फिर से याद दिला दूं कि सचिन, लक्ष्मण और द्रविड़ का जो रिएक्शन आया है इस सीरीज की हार पे, उस रिएक्शन को देखना मत भूलना,
तुम्हारी भाई हंसी नहीं रुकेगी। और वो रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकवासी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन ओपन कर में, जल्दी जाओ जाके चेकआउट करो। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।